वाइफ मिसेस एपी कच्छप प्रिंसिपल केंद्रीय विद्यालय हैदराबाद का है. टू शावर हर ब्लेसिंग्स टू स्टूडेंट्स फॉर देयर फ्यूचर एंड शेयर हर व्यूज ऑन दिस वंडरफुल डे. प्लीज नाउ लोगों को सुप्रभात और केंद्रीय विद्यालय संगठन के स्थापना दिवस पर सभी लोगों को हार्दिक बधाइयां. आज हम केंद्रीय विद्यालय संगठन का पति हमें ऐसे गौरवमयी संगठन में काम करने का मौका मिला है. बच्चे भी बहुत लकी हैं जो इस विद्यालय में इस संगठन में पढ़ाई कर रहे हैं. केंद्रीय विद्यालय संगठन कहने से ही एक आभास होता है कि यहाँ का बच्चे कैसे हैं, यहाँ पढ़ाई कैसी, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन आज मैं यही कह रही थी कि केंद्रीय विद्यालय संगठन 55 साल पुराना है और जब ये 50वीं सालगिरह मना रहे थे तब एक आर्टिकल आया था जिसपे ये कंपेयर किया गया था कि दुनिया में जितनी भी 50 साल पुरानी कंपनियां हैं या फॉर्म्स हैं उनमें से कितने हैं जो अभी भी उतना ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. तो उसमें से सिर्फ 3 फॉर्म का नाम आया. तो हमारे लिए भी एक चैलेंज की बात है कि हम जब हम चलना शुरू किए थे, जब केंद्रीय विद्यालय संगठन बना था, तो हो सकता है इतने एवेन्यूज नहीं रहे होंगे, इतनी कॉम्पिटिशन नहीं था. लेकिन आज हमें चैलेंज करने वाले बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ गए हैं. एजुकेशन के फील्ड में हम अभी भी बहुत अच्छे हैं, आगे हैं. हम सरकार के भी आभारी हैं, केंद्रीय विद्यालय संगठन के आभारी हैं, शिक्षा मंत्रालय के आभारी हैं कि हम यहाँ हैं अभी. लेकिन मैं सभी लोगों से यही कहूँगी, बच्चों से कहूँगी कि अगर हमारा इतिहास इतना गौरवशाली रहा है, इसमें से इतने IAS IPS इतने ऑफिसर्स और इतना जहाँ भी देखिए, अगर अभी 40 से 50 60 साल की उम्र के लोगों को आप देखेंगे तो उसमें से पाएंगे कि बहुत सारे लोग केंद्रीय विद्यालय संगठन के पढ़े हुए हैं. हमारा एलुमिनाई इतना अच्छा है तो क्या हम अपने दिल पे हाथ रख के अभी कह सकते हैं कि हम भी वही गौरवशाली परंपरा को निभाएंगे? क्या हम भी वही कर पाएंगे जो हमारे सीनियर्स ने किया? और मैं टीचर्स से भी यही कहना चाहूंगी, क्या हम जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चल पा रहे हैं? डेफिनेट तौर पे हम चल रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने की आकाश की कोई सीमा नहीं होती. हमें और आगे बढ़ना है और नई तकनीकियों से आत्मसात करते हुए कदम से कदम मिलाकर हमें आगे बढ़ना है. आज तक हम अगर इसके अगुआ रहे हैं, नेता रहे हैं, तो हमें ये प्रयास करने की जरूरत है कि आगे भी हमारा ये स्टेटस बना रहे. इसके लिए मैं सबसे आज कहूंगी कि सब लोग अपने दिल पे हाथ रख के कहें और ये निश्चित करें कि हम जितना कर रहे हैं उससे और कितना अच्छा कर सकते हैं, हम करना चाहते हैं और करेंगे. करेंगे सर, हम लोग करेंगे और अच्छा. और बच्चे जो सुन रहे हैं बहुत मन लगा के पढ़ेंगे. और आज का जो आज तक का जो हमारी परंपरा रही है, आज का जो इतिहास हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन का है, वो और अच्छा होगा. तो मैं इसी शुभकामना के साथ सबको ढेरों आशीष देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ. और हमारे संगठन के अधिकारियों की तरफ से जो संदेश आया है वो आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं, और वो हम पोस्ट कर देंगे, आप सारे लोग उसको देख लीजिए. लेकिन अपने आप से एक प्रतिज्ञा कीजिए कि आज आप जहाँ हैं वहां से निश्चित तौर पे 100 कदम नहीं तो 10 कदम तो हम आगे बढ़ें और धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएं. धन्यवाद. जय हिंद. केंद्रीय विद्यालय संगठन अमर रहे और इसकी गुणगान और इसकी गाथाएं जो है सालों साल तक कण कण में हम गाते हैं ना, भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा, तो ये गौरव साली इतिहास
और गौरव बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आई लाइक टू इनवाइट मिस हिमाली टू कम ऑन द स्टेज एंड प्रेजेंट हर डांस पैट्रियोटिक डांस परफॉर्मेंस। हिमाली। जो
सोशल डिस्टेंसिंग से इसको तो डराना है, दुश्मन की तरह इसके भी हमें छक्के छुड़ाना है। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, कोरोना को मात देंगे, घबराना कैसा। निकलेंगे जीवन तत् पर आगे, फिर विश्व गुरु होगा भारत महान मेरा। ये वक्त न ठहरा है, ये वक्त न ठहरेगा, ये दिन भी गुजर जाएंगे, घबराना कैसा।